नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कुत्तों को पालने के शौकीन हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। जी हाँ, आपने सही सुना, कुत्ते जितने ज्यादा हमारे घरों की हिफाजत करते हैं, उतने ही ज्यादा हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे खतरनाक कुत्तों के बारे में बताने वाले हैं, जिसको अगर आपने पाल रखा है तो ये किसी खतरे से कम नहीं है। ऐसे में आज हम आपको दुनिया में मौजूद खतरनाक कुत्तों की ऐसी ही 10 नस्ल के बारे में बताने वाले हैं, जिनको पालना आपके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इस सूची में 10वें स्थान पर है ग्रेट डैन। इस नस्ल के कुत्ते बेहद ही आक्रामक होते हैं। यही कारण है कि इस नस्ल की ट्रेनिंग के बाद ही इसे पाला जाता है। अगर इन्हें बिना ट्रेनिंग के पाला गया तो ये आपकी जान ले लेंगे। इन्हें किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। इनका वजन लगभग 90 किलो तक जाता है। इसमें 9वें नंबर पर है बॉक्सर। बॉक्सर को शिकारी कुत्ते भी कहा जाता है। ये अपने जबड़े से शिकार को 10 मिनट में नोच लेते हैं। इन्हें सिक्योरिटी के लिए पाला जाता है, लेकिन अब कई बार ये अपने पालने वालों पर ही अटैक कर देते हैं। इनका वजन लगभग 30 से 32 किलो तक जाता है। 8वें स्थान पर है वुल्फ हाइब्रिड। जैसा नाम है वैसे ही इस ब्रीड की बनावट भी है, क्योंकि कुत्ते की इस नस्ल को भेड़िए और कुत्ते के मेल से बनाया गया है। इन पर ज्यादातर देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है। यही कारण भी है कि ये किसी पर भी अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से अभी तक कई लोगों के जान जाने की खबर सामने आ चुकी है। इनका वजन 36 से 56 किलो तक जाता है। 7वें स्थान पर है मालाम्यूट। मालाम्यूट ब्रीड उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये कुत्ते हूबहू भेड़ियों की तरह दिखते हैं। इनका वजन ज्यादा से ज्यादा 50 किलो तक चला जाता है। ये इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आक्रामक भी होते हैं। 6वें स्थान पर है हस्की। पालतू कुत्तों में शुमार हस्की की सूरत पर ना जाए, क्योंकि ये ब्रीड देखने में बेहद ही क्यूट नजर आते हैं और ये काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। वैसे तो इन्हें स्लेज डॉग कहा जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये स्लेज डॉग क्या है, तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये वो डॉग होते हैं जो पहाड़ों पर बर्फ के ऊपर गाड़ियों को खींचने का काम करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी उन्हें गुस्सा आता है तो वो बेहद ही आक्रामक हो जाते हैं। अमूमन इनका वजन 20 से 27 किलो के बीच का होता है। 5वें स्थान पर है ब्लू मास्टिफ। ब्लू मास्टिफ आक्रामक स्वभाव के होते हैं। चूंकि इनके पैर काफी ज्यादा लंबे होते हैं, इसलिए इनसे भी खतरा रहता है। बात अगर इनके वजन की करें तो इनका वेट लगभग 55 से 60 किलो के बीच का होता है। ये काफी हद तक पिटबुल जैसे दिखने में लगते हैं। 4थे स्थान पर है डोबरमैन। पिंस्चर का इस्तेमाल पुलिस विभाग की तरफ से किया जाता है, लेकिन इन्हें घरों में भी पाला जाता है। इन कुत्तों की खास बात यह होती है कि ये किसी भी अजनबी को देखते ही भड़क जाते हैं। हालांकि बाद में मालिक पर नजर पड़ते ही तुरंत ही शांत भी हो जाते हैं, लेकिन इन्हें हमला करने की प्रवृत्ति को देखते हुए इसे भी कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। 3रे स्थान पर है जर्मन शेफर्ड। इस ब्रीड के कुत्तों का इस्तेमाल ज्यादातर पुलिस विभाग में किया जाता है। इनके जरिए कई अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। सबसे खास बात यह है कि अपराधी की खुशबू पकड़कर उन्हें पकड़वाने में मदद करते हैं। इनका वजन 30 से 40 किलो के बीच होता है। ये भी कई देशों में फिलहाल प्रतिबंधित है। हालांकि भारत में कई घरों में इसे पाला जाता रहा है। 2रे स्थान पर है रॉटविलर। रॉटविलर नस्ल के कुत्ते अपनी फुर्ती के लिए जाने जाते हैं। ये कुत्ते बेहद ही शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन ये किसी को भी झट से काट लेते हैं। इनका वजन 35 से 48 किलो के बीच होता है। इसे पालने पर भी कई देश में प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि भारत में इसे कई घरों में पाला जाता है। अपारी इस सूची में सबसे पहले स्थान पर मौजूद पिटबुल की। पिटबुल बेहद ही आक्रामक मिजाज के कुत्ते होते हैं। इनका वजन आमतौर पर 16 से 30 किलो के बीच का होता है। ये कुत्ता कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया के करीब 41 देशों में इस नस्ल को पालने पर भी बैन लगा दिया गया। वैसे तो ये पालतू कुत्ते ही होते हैं, लेकिन अगर एक बार इनको गुस्सा आ जाए तो ये किसी के नहीं होते। जिसके बाद अब उम्मीद करते हैं कि आप भी घर में कुत्ते पालने से पहले ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि वो कुत्ते आपके लिए कितने खतरनाक है कितने नहीं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।